जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फारूक से एफ टी टैग की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूं और नए आने वाले हर दोस्त को खुशामदीद कहता हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, कुछ दोस्त पूछते हैं कि यार हम जो है ये कंप्रेसर लगा कर क्या एयर कंडीशन बना सकते हैं। तो जैसे पहले पिछले दिनों में मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें कंडेंसर वेपरेटर उन सब का साइज था, इसी तरह से अगर आप लोग फिन्स ट्यूब वाले जो कंडेंसर हैं अगर वो यूज करते हैं, अगर वो बनवा सकते हैं तो वो आपको यूज करने पड़ेंगे। उसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दूंगा। तो इसके काफी तरीकाकार हैं कि आप उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। फिर वो पूछते हैं क्या इस कंप्रेसर को 1 टन के अंदर लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। तो भाई इसके डिजाइन मैंने आपको पहले बताया था कि डिजाइन हमने खुद करना है, आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको उसका डिजाइन और उसकी जो है सारी कैलकुलेशन जो है उसके बारे में बता देता हूँ कि वो क्या क्या आपको यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग हर किस्म का काम जो है वो खुद से कर सकते हैं। फिर इसमें कंडेंसर का साइज भी आपके पास होना चाहिए और वेपोरेटर का साइज भी आपके पास होना चाहिए। वेपोरेटर क्योंकि खुद आप डिजाइन कर रहे हैं, फिर उसके आगे बेशक आप फैन लगा के उसकी थ्रो आपने बनानी है, फैन लगाएं और उसको जनाब जो है वो थ्रो आगे फेंके, आपको ठंडक जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। फिर आती है कैलकुलेशन कैपेसिटी। जाहिर बात है कि मैंने ये चीज पहले भी बताई कि एक इंसान 500 BTU पर आर जो है वो एग्जॉस्ट करता है, खारिज करता है। कई लोग ऐसे करते हैं कि 1 टन का एसी लिया और 10 लोग उसी कमरे में जहां वो लगा हुआ है वहां पर आ गए हैं, 12,000 BTU का वो होता है और 10 लोगों की 5,000 जो है वो कंजप्शन वहां पर आवर जो है वो हो रही है। इसके बाद उस कमरे के अंदर भी कंजप्शन होनी है, हीट उसकी अपनी भी है, उसके रूफ से भी हीट आ रही है, उसकी साइड कवर ना हो तो फिर उससे भी हीट इफेक्ट आ रहा है, विंडोज हो सकती हैं, वेंटिलेशन का कोई भी निजाम हो सकता है जहां से हीट जो है आप लोगों की इंटर हो रही होती है या फिर आपकी कूलिंग जो है वो एग्जॉस्ट हो रही होती है। तो इसकी कुछ कैलकुलेशंस है, उसको आप लोग पहले काम करेंगे, काम करने के बाद आपका जनाब जो है ये सारा काम आप लोग कर सकेंगे। पिछले दिनों मैं बहुत शुक्रिया बाबर अली भाई ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे और फिर उन्होंने खुद जो है वो कंप्रेसर इंस्टॉल किया। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों के सबके जो है क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैं देता रहता हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही है कि एक भाई ने मुझसे पूछा कि हम क्या क्या यूज करें, कैसे कैसे हम लोग कंडेंसर यूज करें, कितने का वेपरेटर यूज करें कि हमारा जो है वो एसी बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर उसके पास, ये ज्यादातर जो लोग इस तरह सिंध में काम कर रहे हैं मेरे से, उन्होंने क्वेश्चन आंसर करने के बाद वहां बनाए भी हैं, तो वो क्या करते हैं, 1/3 का कंप्रेसर यूज करके अपना एसी उन्होंने छोटा सा डिजाइन किया हुआ है ताकि शॉप पर बैठ कर और वो ठंडक जो है वो ले सके। एक दो मैकेनिक हैं सिंध के ही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि 1/3 का कंप्रेसर लिया, उसके अंदर उन्होंने 60 फुट का कंडेंसर जो है वो यूज होता है, 60 फीट। और 60 फीट कौन सा, 150 सूत्र की सूरत में। अब ये ना हो कि आप लोग जनाब जो है वो इससे 150 सूत्र से कम का हो या उसे कंडेंसर का साइज कम कर दें। फिर इसी तरह से उसमें जो है पाइप 2 सूत्र का अगर आप यूज करते हैं तो उस 65 फुट आपका, सॉरी 80 फुट होगा 150 सूत्र की सूरत में और 65 फुट होगा आपका 2 सूत्र की सूरत में पाइप यूज होगा कंडेंसर का। अगर आप लोग वेपोरेटर का पाइप यूज करते हैं तो वेपोरेटर के पाइप में आपको जो है वो 65 फुट आपको 2 सूत्र का यूज करना पड़ेगा और 28 सूत्र का जो है आपको 55 फुट पाइप जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये 1/3 के कंप्रेसर के ऊपर ये काम जो है वो हो सकता है। फिर आता है कि ये कितना एरिया जो है उसको ये कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो ये इतना खासा एरिया नहीं, आप खुद देखें कि 1 HP का कंप्रेसर है, 1 HP 746/3 का, तो आप खुद बताएंगे वो कितनी कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें ये चीज जो है ये इतनी ज्यादा कूलिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती, कैलकुलेशन वही है जो मैंने आपको बता दी है। मैक्सिमम अगर ये कोई एरिया कैलकुलेट मतलब कूल करती है तो ये 5 से 7 फुट जो है स्क्वेयर फुट जो है वो कूल कर सकती है, इससे ज्यादा का एरिया इसमें कूलिंग नहीं हो सकती। और वो भी उस वक्त कूलिंग कर सकता है जब उस एरिया के अंदर लोगों का आना जाना कम हो, एक ऑफिस टाइप हो और मतलब कैबिन टाइप, उसके अंदर ये कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है। इससे बड़ा होगा तो कूलिंग बिल्कुल भी जो है वो भाईजान नहीं होगी। तो जो इसकी ट्राइयां कर रहे हैं वो ट्राइयां करें, अच्छी बात है, नॉलेज गेन होता है उससे। मेरे साथ भी शेयर किया करें, काफी सारे भाई जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो इनशाला इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी एसी रोटरी कंप्रेसर वगैरह आ रहे हैं, पार्ट्स फिलहाल नहीं आ रहे,
तो जैसे पार्ट्स आएंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जैसे एसी आएगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए व्यूवर्स इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।